तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल टीवी। हम लोग आ गए एक नया व्लॉग लेके और भाई बारिश भी आ गई है। अबे यार अभी तो बारिश भी हो रही थी, बारिश भी लगी। आप लोगों को पता ही है कि हमारे वहाँ क्या हो रखा है। ओएल में भाई गुरु रंधावा आए हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है भाई। एक हमारा टाउन है छोटा सा ओएल, वहाँ पे भाई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, भाई सेलिब्रिटी फिगर भाई कोई इंसान आया हुआ है जिसको ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड लोग जानते हैं। हम लोग भाई बराबर वीडियो कंटिन्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई कमेंट्स में कि भाई तुम्हें क्या है, उसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो, ये वो। भाई सेलिब्रिटी कोई अपने आया है, उसको लोग जान रहे हैं, वो अपनी जगह यूज़ कर रहा है, तो उसका भाई इस्तकबाल करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि तुम्हारे वो ओएल को ही वो प्रमोट करेगी चीज़ यार। ऑलरेडी मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करिए और देखिए जाके। और मैं भाई 250 के ऊपर व्लॉग बना चुका हूँ ओएल लखीमपुर सीता गोला लखनऊ के, सारे भाई आप लोगों को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक। सो भाई हम लोगों ने बहुत कोशिश कर ली, हम लोग को भाई एंट्री तो मिलने से रही, क्योंकि अब सबको पता चल गया कि भाई एंट्री बहुत ही वहाँ पे मुश्किल है। कुछ लोग भाई महान भाव होंगे, वो चले जाएंगे भाई, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, बट बहुत ही हार्ड यहाँ पे एंट्री हो रखी है आउटसाइडर के लिए। और शूटिंग जो हो रही है भाई, वो शूटिंग इधर हो रही है मेडिंग मंदिर के पीछे। सो गाइस इन क्लिपों में आप देख सकते हैं गुरु रंधावा और राजा की कोठी से अपने लग्जरी फार्म हाउस जा रहे हैं ओएल के, और वहाँ पे भाई उनको कुछ बंदे चेस कर रहे हैं। वो बंदे कोई नहीं भाई, मेरे दोस्त ही हैं सुदीप और अनुभव, और भाई उन लोगों ने ये मेरे को वीडियो सेंड की, थैंक्स टू देम। तो गुरु रंधावा भी हम लोग को भाई रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम ही लोग उनके पीछे लगे हुए। तो उन्होंने भाई एक वीडियो शेयर की हुई है जो मैंने भाई डाली है यहाँ पे, आई बटन पे देखना जाके भाई, वहाँ यही वीडियो भाई उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर की थी। ये भाई एक बड़ी बात है यार कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया। सो गाइस वन सेकंड, हम लोग आ चुके हैं राजा की कोठी देखने के लिए भाई यहाँ पे क्या चला है। तो गाइस फाइनली दिस इज द थर्ड डे और हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, और यहाँ पे अब तो भाई एंट्री भी नहीं कर रहे, गेट के पास में खड़े भी नहीं होने दे रहे, और यहाँ पे बंदे आए हुए हैं भाई सीता सीता फुर्से, यहाँ पे लोग आए हुए हैं सिर्फ देखने के लिए गुरु रंधावा जी को। इतनी आसानी से तो मिलने वाला नहीं, हम लोग तो अभी देख नहीं पाए भाई ओएल के रहवासी होते हुए भी। यहाँ पे आसपास देख सकते हैं भाई बिल्कुल शूटिंग वाला माहौल हो रखा है। तो गाइस इस बार हम लोग दूसरी साइड से पहुंच गया, दूसरी साइड से भाई काफी अच्छा क्लियर व्यू आ रहा था, और जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस व्लॉग्स में बताया था कि भाई पाकिस्तान वाली ये शूटिंग हो रखी है, पाकिस्तान इंडिया वाला करके कुछ स्क्रिप्ट है, पाकिस्तानी फ्लैग यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, और भाई बाउंसर तो आगे बिल्कुल बढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई ग्राउंड में ही शूटिंग हो रही है जैसा कि आप मैं जूम करके देख रहा हूँ, और भाई मेरे मोबाइल का भाई जूम तो बहुत ही पुअर है। सो गाइस शूटिंग के सेट पे तो भाई एंट्री बहुत ही मुश्किल है, बट एक जगह एंट्री बहुत ही आसान है जो कि जिम है। सो भाई जिम का टाइम हो चुका है और हम लोग खुद ही से जिम ओपन करते हैं। आज तो कुछ ज्यादा पानी वानी भरा था वहाँ पे भाई, आजकल तो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज भाई डेडलिफ्ट ही हो गई है। करके बताया भाई इसमें कितना वेट मार रहा हूँ, इसमें वैसे तो मैं 100 kg के ऊपर ही मार रहा हूँ, और बस जिम में बंद करके भाई बाहर निकला तो देखा भाई कितना प्यारा सा झूला दिख रहा था भाई, लाइटिंग थी, मैं इसको कैप्चर कर रहा था। फिर मैं अपनी भांजी को भाई लेके गया मेला के अंदर, काफ़ी मेला भाई ओएल का काफ़ी तगड़ा लगा हुआ है इस बार, तो भाई अलग ही चकाचौंध है भाई मेले। तो गाइस मेला से डायरेक्ट हम लोग पहुंच गए भाई फिर से सेट की तरफ, और भाई इस बार तो देखिए भाई कि रात की शूटिंग चल रही है, और भाई ये बाहर से ऐसा लग रहा है और अंदर से भाई ये ऐसा लग रहा है। सो भाई कितना डिफरेंस लग रहा है ना। सो इसी के साथ भाई इस व्लॉग को एंड करते हैं। सो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Dun dun.